ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં વીજળી મળે અને કરમાં રાહત થાય તેવી માંગણી કરવામાં આવી છે। एमएसपी सहित प्रश्न रजूआत करती खेडूत खेती लक्षी एक प्रश्न होवा छता हजी सुधी उकेल न आता रोष जवाह। सूरत जिला किसान संघ प्रमुख केतन पटेले जणाव्युं कि अमे शांतिपूर्ण रीते आंदोलन कर रहा छे छतां अमने अमारी वात मुकवा देवामां आवी रही नथी। किसान संघ आगेवानोनी रजूआत ने सांभळी निराकरण लावानो प्रयास करवामां आव्यो हतो। किसान संघ अग्रणीओ जे रजूआत लईने आव्या हता तेने मैं खूब ज ध्यानथी सांभळी छे अने आगामी दिवसोमां वधु गंभीरताथी आ मुद्दाने उकेलवा माटे कोर कमिटीए चर्चा पण करीशुं। आज दक्षिण गुजरात ना किसान संघ ना कार्यकर्ताओं एमना अलग अलग विषयों ने लईने मलवा आव्या हता। अनेक विषयों पर खूबज ऊंडाणपूर्वक चर्चाओं छेला अनेक दिवस थी प्रदेश लेवल पर चाली रही है। आज दक्षिण गुजरात ना खेडूतोए भी एमना आ विषयों पर चर्चा करी छे। खूबज पॉजिटिव वातावरण में आ चर्चाओ रही छे। पोताना विषयों सरकार जोड़े रजूआत करवा, सामान्य जीवन में कोई भी प्रकार की तकलीफ ना पड़े ये प्रकारनो वातावरण में मजबूताई पूर्वक रजूआत करवी ए किसान संघनी एक ओळख छे। किसान संघना सौ आगेवानों किसानों माटेनी अलग अलग जे व्यवस्थाओ छे ए व्यवस्थाना भाग रूपे अलग अलग विषयों पर खास करीने आजे चर्चा थई छे। बे दिवस पहला भी आ विषय पर चर्चा थयेली हती, काले भी आ विषय पर चर्चा आगल वधशे। खूब खूब आभार। अमदावाद गांधीनगर में अमे 15 दिवस बिल्कुल शांति थी अहिंसक आंदोलन करू छे तो पछी मने पोलीसे आंदोलन थी अलिप्त राखवो जोईतो न हतो। मने घर में 6 वागाना पोलीस वाला अमारा अहीं आवी गेला ने मने गोंडी राख्यो। मारे जे काई रजूआत करवी हती ते अमे करी शक्या नहीं। आजे हर्षभाई जे मने मुलाकात आपी त्यांथी मने संतोष छे, पण संतोष खरो त्यारे थशे ત્યારે મારા બધા પ્રશ્ન ઉકેલાય। અમારી માંગ ખાસ તો લગભગ ઘણે ભાગે સંતોષાઈ ગયેલી છે, પણ વીજનો જે પ્રશ્ન છે એ અમારો સોલ્વ થવો જોઈએ। હોર્સ પાવર આધારિત અમારી માંગણી તો સોલ માંગણી છે। હર્ષભાઈએ કીધું છે કે અમારી કાલે મીટિંગ છે, એમાં અમે તમારા પ્રશ્નનો હકારાત્મક ઉકેલ લાવીશું। કોની સાથે મીટિંગ છે? અમારા પ્રદેશ કારોબારીના મંત્રી આર કે પટેલ, પ્રમુખ શ્રી જગમલભાઈ આર્યન, એમની સાથે મીટિંગ છે, અમારી કારોબારી સાથે મીટિંગ છે। જો મીટિંગ ની અંદર કોઈ હલ નહીં આવે તો આવનારા દિવસોની અંદર તમારી કામગીરી કઈ રીતે? આવનારા દિવસોમાં મીટિંગમાં હલ નહીં આવે તો અમારું આંદોલન ચાલુ રહેશે।